और आपका सब्सटेंस ये भी 10 15 20 कोई भी आ सकता है, आएगा जरूर डेकार्ट से क्वेश्चन, डेकार्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, तो डेकार्ट से क्वेश्चन आएगा। और गॉड जो है डेकार्ट का ये बार बार यूज होगा, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है 3 हमने देखे थे, कॉस्मोलॉजिकल, पॉजल आर्ग्यूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल। यू विल गेट वन डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, 20 मार्क्स और 50 मार्क्स, ये फेवरेट है कॉस्मोलॉजिकल। सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके सो मेथड ऑफ डाउट 10 मार्कर 15 गॉड। ओके सो गॉड विल बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन। ओके कॉजल आर्ग्यूमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है वो ये है कॉस्मोलॉजी, और भी होते हैं टीलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, या तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसमें सारे लिखने पड़ेंगे आपको 20 मार्क्स। ओके या फिर आपसे अलग से पूछा जाता है तो कॉस्मोलॉजिकल पूछा जाता है, ये फेवरेट है। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे। मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ तो किया था कि कॉस्मोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कॉस्मो का मतलब ही क्या होता है, यूनिवर्स और वर्ल्ड, कॉस्मोस। तो सबसे पहले मानते हैं वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और फिर हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड को किसने बनाया। तो इस वर्ल्ड के बेसिस पे हम गॉड की एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, ठीक है, इंड्यूस, ठीक है। तो बेसिकली गॉड में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, टीलोलॉजिकल, ये बार बार आपके आते जाएंगे, ठीक है। स्पिनोजा पढ़ेंगे, वहां पे भी यूज होंगे। माइंड बॉडी ड्यूलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपके पास टाइम कम है और आपने अगर ऐसा लगता है कि मैं डेकार्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो ये एक टॉपिक मिस कर जाना, बाकी आप छोड़ो। होता है ना सिलेक्टिव स्टडी, आपको लग रहा है कि हमें पर टाइम नहीं है, वैसे तो फिलोसफी का सिलेबस कम ही, लेकिन अगर आपको लगता है तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पेपर में आएगा, बाकी ये आप बाकी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, क्योंकि इसका मेन टॉपिक वही है। ओके सो सब्सटेंस देख लिए, माइंड बॉडी इंटरेक्शनिज्म देख लिया, क्रिटिसिज्म सारे इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू राइट एनी आंसर, जस्ट राइट 2 और 3 क्रिटिसिज्म इन द एंड, ठीक है, 2 और 3 क्रिटिसिज्म, ठीक है। 2 और 3 तो लिखने, 2 3 लिखने, 2 तो लिखने ही है, अगर आपको 3 नहीं आता तो 2 लिख दो, लेकिन लिखो, 1 लिख दो भले इसे, लेकिन लिखो। अगर उसने क्रिटिकली एग्जाम में नहीं पूछा तब भी लिखो, ठीक है। क्रिटिसिजम्स इंपॉर्टेंट होते हैं फिलोसफी में। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को कांट ने क्रिटिसाइज किया, ये क्वेश्चन आपके आता है, ठीक है। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे यूपीएससी के केएस के, तो ये कांट से ये क्वेश्चन आता है, हाउ कांट हैज क्रिटिसाइज गॉड ऑफ डेकार्ट। अब देखते हैं हम स्पिनोजा, ठीक है। सिग्निफिकेंस कोई नहीं पूछेगा डेकार्ट का, तो डेकार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड बॉडी को। तो स्पिनोजा का थोड़ा सा ब्रीफ आप देख लो, इंट्रोडक्शन पहले आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने डेकार्ट में पहले देखा था, डेकार्ट का देखा था, डेकार्ट कैसा फिलोसफर था, ड्यूअलिस्ट, डेकार्ट वाज अ ड्यूअलिस्ट। ये हम शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में भी देख चुके हैं, ड्यूअलिस्ट का मतलब 2 अल्टीमेट रियलिटीज, ठीक है। 2 अल्टीमेट रियलिटीज मानिए तो उसका कौन कौन सा मानिए, माइंड एंड बॉडी, ओके। इसलिए डेकार्ट का माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म इंपॉर्टेंट। स्पिनोजा रैशनलिस्ट तो है, क्योंकि अभी हम रैशनलिज्म ही पढ़ रहे हैं। मोनिस्ट है, मोनिस्ट का मतलब इसके हिसाब से सिर्फ 1 अल्टीमेट रियलिटी, और वो 1 अल्टीमेट रियलिटी क्या है, गॉड।
पैंथेस्टिक है, देखो दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, पैंथेस्टिक फिलोसफर, ये सिर्फ स्पिनोजा में आपको सुनने को मिलेगा, पैंथेइज्म। ठीक है, तो तीन तरह की थियरीज होती है, एक आपको याद होता हमने डेइज्म पढ़ा था, ठीक है, एक होता है डेइज्म, एक होता है पैंथेइज्म और एक होता है पैनेंथेइज्म, होता है पैनेंथेइज्म। डेइज्म अगर आपको याद हो तो गॉड इज ओनली द एफिशिएंट कॉज, जब गॉड सिर्फ एफिशिएंट कॉज होता है तो उसको कहते हैं डेइज्म, ठीक है, डेइज्म डेइज्म, ओके। तो ये एफिशिएंट कॉज कहाँ था अगर आपको याद हो तो न्याय, देखा था आपने न्याय वैशेषिका में हमने पढ़ा था, मतलब जहाँ पे हम इंडियन में पढ़ चुके हैं कि एफिशिएंट कॉज कहाँ कहाँ था, डेकार्ट में भी गॉड एफिशिएंट कॉज, तो बेसिकली जहाँ जहाँ गॉड एफिशिएंट कॉज होगा वो क्या कहलाएगा, डेइज्म, सिर्फ गॉड एफिशिएंट कॉज है। पैंथेइज्म में गॉड इज द मटेरियल कॉज ओनली, पैंथेइज्म में मटेरियल कॉज होता है, और पैनेंथेइज्म में गॉड एफिशिएंट कॉज भी होगा और साथ में मटेरियल कॉज भी होगा। ठीक है, आपको याद हो तो इंडियन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, हमने देखा है कहाँ पे एफिशिएंट है कहाँ पे दोनों है। ठीक है, तो आपको याद हो तो इंडियन में पैनेंथेइज्म कौन कौन सपोर्ट करता है, एक तो आपका शंकर, दूसरा आपका रामानुज, दोनों के हिसाब से गॉड एफिशिएंट कॉज भी है मटेरियल कॉज भी है। पैंथेइज्म तो आपका सिर्फ स्पिनोजा है जो सपोर्ट करता है, और एफिशिएंट कॉज वाला तो आपका न्याय वैशेषिका है, ठीक है, न्याय वैशेषिका है, और न्याय वैशेषिका के साथ साथ आपका कौन है, यहाँ पे आप देखो तो मध्वा, अपार्ट फ्रॉम न्याय वैशेषिका मध्वा इज ऑल्सो देयर, ओके। So basically, these are three types of relation between God and world. Okay, God और world में तीन तरह के relations हैं। ठीक है, आपको ये question भी direct आ सकता है God world relationship. Okay, so God world में भी ये तीन तरह के relation हैं आपके, ठीक है, panentheism हो सकता है, deism हो सकता है, और साथ में आपका पैंथेइज्म हो सकता है। तो पैंथेइज्म सिर्फ स्पिनोजा का है, ठीक है, ये याद रखना, ये अभी आगे मैं एक बार और डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपके बार बार आए, ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में गॉड वर्ल्ड रिलेशन, तो गॉड और वर्ल्ड में रिलेशन यही हो सकता है, तीनों में से कोई एक रिलेशन है। तो जो आपका स्पिनोजा है वो पैंथेइस्टिक फिलोसफर है, पैंथेइस्टिक फिलोसफर याद रखना, ये स्पिनोजा अकेला पैंथेइस्टिक फिलोसफर, इसलिए उसने बोला है गॉड इज ऑल, ऑल इज गॉड, सब ईश्वर है, ठीक है, सब हर कण कण में भगवान है, ठीक है, आप गॉड को वर्ल्ड से सेपरेट नहीं कर सकते, गॉड इज इक्वल टू वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज इक्वल टू गॉड, आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड को गॉड ने बनाया, बोलता है वर्ल्ड ही गॉड है, गॉड ही वर्ल्ड, इन दोनों में कोई प्रायर आफ्टर रिलेशनशिप नहीं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ल्ड, तो उसके हिसाब से ये वर्ल्ड गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, गॉड इज वर्ल्ड, वर्ल्ड इज गॉड, भगवान ही वर्ल्ड है, वर्ल्ड ही भगवान, ठीक है, यानी कि हर कण कण में भगवान, तो हर कण कण किससे बना है, भगवान से बना है, इसलिए गॉड इज द मटेरियल गॉड, इसलिए उसको बोला जाता है गॉड्स इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, इसलिए उसको बोला जाता है गॉड्स इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर, मतलब ईश्वर के मद में अंधा, ईश्वर के प्यार में अंधा, ईश्वर के मद, मद मतलब प्यार, नशा में अंधा, क्यों, क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ल्ड, ठीक है, तो इसलिए उसको गॉड्स इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर कहा जाता है, भगवान के प्यार में अंधा, ओके, लेकिन उसका जो गॉड है ना वो गॉड वैसा नहीं है जिसके आप पूजा करते हो, वो इम्पर्सनलिस्टिक है। अब पर्सनलिस्टिक और इम्पर्सनलिस्टिक तो आपको समझ में आता है, सगुण और निर्गुण, ठीक है, सगुण हमने जिसकी पूजा कर सकते हैं, निर्गुण जिसकी नहीं कर सकते,
ठीक है, तो इसका भगवान कैसा है, इनपर्सनलिस्टिक, जिसकी आप जिसको आप वर्शिप नहीं कर सकते। देखो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, एक तरफ तो आप गॉड के प्यार में अंधे हो लेकिन आप जो भगवान मान रहे हो वो आप प्रे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है भाई, देखो ऐसा है, बेसिकली बिलीविंग इन गॉड इज वन थिंग एंड वर्शिपिंग गॉड इज अनदर थिंग। आप गॉड की पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो, या फिर आपके दिल में ऐसा ही है कि आप डर से कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली हम में से क्या है, अधिकतर क्या होते हैं, हम भगवान को मानते हैं बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ पनिशमेंट कि भाई गलत करेंगे तो भगवान हमें सजा दे। वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल। ओके, मोस्ट ऑफ अस आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग पीपल। तो ये जो शंकर का भगवान है और जो आपका स्पिनोजा का भगवान है, ये भगवान थोड़ा लॉजिकल है। देखो एक होता है रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस पर्सन जो होगा वो गॉड को जो मानेगा ना, वो गॉड उसका कैसा होता है, फुल ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको आप वर्शिप कर सकते हो, ओमनीपोटेंट, बेनेवोलेंट, ठीक है, और आपका साथ में ओमनीसिएंट, इटर्नल, परफेक्ट, इनफाइनाइट, ठीक है, फुल ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके वो अलग से पोस्टर वगैरह कहीं पे छपवाएगा, उसकी पूजा करेंगे या किसी भी तरह से उसको डिपिक्ट करके कहीं पे भी वो उसका जो रिलीजियस पर्सन होगा वो यहाँ पे अपनी जो जो भी उसके इमोशंस है उनको सेटिस्फाई कर लेता है वहाँ पे जाके। अब वो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि भाई उसकी एक शेप उसको दिखनी चाहिए ताकि वो उसकी पूजा पाठ कर सके। ठीक है, ये तो आपका रिलीजन वाला वो हो गया भगवान, ठीक है, जो मतलब रिलीजियस पर्सन। लेकिन एक होता है लॉजिकल, लॉजिकल गॉड वो होता है जो गॉड तो आप मानते हो लेकिन उसको क्या है, आप है ना पर्सनिफाइड नहीं कर सकते। क्यों पर्सनिफाइड नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड, अगर आप बोल रहे हो कि गॉड इज फाइन इनफाइनाइट एंड परफेक्ट, जो चीज परफेक्ट और इनफाइनाइट है उस चीज को हम कैसे पर्सनिफाइड कर सकते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको हमने तो देखा थोड़ी ना उसको, जो हम उसको बना देंगे या उसके मूर्ति बना देंगे या फोटो बना देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इनका जो भगवान होता है वो भगवान कण कण में होता है, यहाँ पे जात पात वाला हिसाब पे नहीं होता कुछ। यहाँ पे तो क्या होता है, मंदिर में किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं, मस्जिद में किसी को जाने देते हैं, नहीं जाने देते, ठीक है, किसी मंदिर में सबरीमाला में या फिर कहीं ऐसी जगह पे लाओ के नहीं जाने देते। तो यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड, इसलिए कहा जाता है रिलीजन जो है बेसिकली, रिलीजन में हमेशा क्या होता है, वी दे, रिलीजन का कंसेप्ट होता है दे वाला, दे वाला मतलब वो ऐसे हैं, उनका रिलीजन ऐसा है, हमारा ऐसा है, तो दे इट मींस रिलीजन डिवाइड्स। आप कहीं पे भी देख लेना रिलीजन ऑलवेज डिवाइड्स पीपल, ठीक है। लेकिन जो साइंस होती है, इसलिए साइंस को क्यों साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्योंकि साइंस बिलीव करती है वी में, साइंस कुछ भी करेगी तो वी पे करेगी, वो सबको क्या करती है, यूनाइटेड करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका पर्सनिफाइड है, इसको पर्सनिफाइड तो नहीं किया जा सकता जो लॉजिकल गॉड, इसलिए लॉजिकल गॉड वाला जो कंसेप्ट है वो बेसिकली कैसा है आपका, इनपर्सनलिस्टिक मोशन। तो वो किसने दिया, शंकर ने, शंकर ने भी क्या बोला है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म, शंकर ने क्या बोला है, ब्रह्म इज इनसाइड, यू कैन फाइंड इट यूजिंग सेल्फ इंट्यूशन, ही हैज नॉट गिवन एनी इंपोर्टेंस टू दैट गॉड हु इज द क्रिएटर ऑपरेटर इन द यूनिवर्स। सेकेंड इज स्पिनोजा, स्पिनोजाज गॉड इज ऑल्सो इनपर्सनलिस्टिक, ओके, गॉड इज वर्ल्ड, वर्ल्ड इज गॉड, ओके, तो गॉड इज देयर इन एवरीथिंग। नाउ हाउ द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली गॉड इवॉल्व, अर्लियर इन वैदिक एरा और बिफोर दैट इन एंशियंट टाइम वी यूज टू प्रे नेचुरल फोर्सेस। होता क्या था, बेसिकली जो सारा आपका जो ओरिजिन हुआ है वो ट्राइब से हुआ है, हम सब ट्राइब्स थे पहले, ठीक है, उसके बाद कास्ट सिस्टम शुरू हुआ ना, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम क्यों शुरू हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट ए गुड थिंग एट ऑल।
और मैं इन चीजों को मानता मानता भी हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा अलग कंसेप्ट है, मतलब आप लोगों का हो सकता है अलग हो, लेकिन आई हैव माई ओन कंसेप्ट, तो उसमें नहीं जाते हैं ना, मैं अपना कंसेप्ट आप पे थोप सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर मी ह्यूमन बींग, फॉर मी वॉट मैटर्स इज ह्यूमन बींग एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो होता क्या है, नेचुरल फोर्सेस को हम प्रे करते थे। नेचुरल फोर्सेस को क्यों प्रे करते थे? नेचुरल फोर्सेस को इसलिए प्रे करते थे क्योंकि जब ट्राइब्स थे हम सब, तो हमें पता नहीं होता था कि बारिश क्यों हो रही, व्हाई इट्स रेनिंग। हमें लगता था ये जो बारिश हो रही है ना, ये यही क्या है, मतलब यही एक शक्ति है। जब लाइटनिंग होती थी तो हम डर जाते थे, तो हम लाइटनिंग की पूजा करने लग जाते थे। पेड़ से हमें फ्रूट्स मिलते थे, बाकी चीजें मिलती थी जो आपका होता है, ठीक है, नॉन टिम्बर, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस वगैरह है, शहद वगैरह, सभी आपको प्रकृति से मिलता है। तो उस समय क्या है, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते, आग, पानी, जल, इन सब। फिर क्या हुआ, बाद में जो भी आपका वैदिक काल में जो भी है वो ब्राह्मणिज्म जो भी चला, उससे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि नेचुरल फोर्सेस के पीछे इनके मालिक हैं, ठीक है, जैसे अग्नि का अलग है, आग का अलग है, पानी का अलग है। तो फिर क्या हुआ, पर्सनलिस्टिक नोशन आ गया, जो उनको कंट्रोल करता था उसकी पूजा होने लगी। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता आ गए, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ लोग इससे परेशान थे, मतलब परेशान क्या, कुछ लोग इससे भी ऊपर जाना चाहते थे, जिनकी थियरी थोड़ी और ज्यादा, मतलब कि कंसेप्चुअल थी, रेशनल थी, तो उनके लिए फिर इम्पर्सनलिस्टिक नोशन का डेवलपमेंट। तो इसमें जो सबसे रूड फॉर्म में है वो है आपका ये, ओके, सबसे क्रूड फॉर्म में ये वाला है, क्रूड फॉर्म में ये है, और उसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड ये हुआ, एंड द मोस्ट रिफाइंड वन, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी काम करो ना, बी रैशनल इन योर लाइफ, कभी अंधे बन के कोई काम नहीं करो कि अगर वो कर रहा है तो सही है, ठीक। आप देखो पहले कि वो क्यों कर रहा है, क्या आपके लिए सही है, ठीक। तो दिस इज योर बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पॉलिटिक, पहले होता था ना यहाँ पे जम्मू में कि यार ये ऑप्शनल अच्छा कर रहा है, सबने ये लिया है, मैं भी ये ले लूँ, तो एंथ्रो में पिछले साल बेचारे बच्चे बर्बाद हो गए। नहीं तो कुछ अगर उन्होंने अपना लिया होता, अपना मतलब ग्रेजुएशन का लिया होता, ये जैसे कई वेटरनरी छोड़ के एंथ्रो ले बैठे, तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन का लिया होता जब दो ऑप्शनल थे तो शायद वो सेलेक्ट होते। तो ऐसा नहीं उनको एंथ्रो अच्छा नहीं आता था, लेकिन उस समय नहीं मिले नंबर, तो कई बार क्या होता है भेड़ चाल में आदमी मारा जाता है। तो आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाया करो हर जगह, कोई बोले मैं बोलूँ आपको फिलोसफी अच्छा आप ले लो, नहीं, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या मुझे समझ आ रहा है, क्या समझ आएगा तो आपको नंबर भी आएंगे। देखो सीधी सी बात है, ऑप्शनल सारा गेम है समझने की, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ रिलीजन में, उसको थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, गॉड अगर इतना पावरफुल है तो फिर इस दुनिया में ईविल को रोकता क्यों नहीं है, क्राइम क्यों है इस दुनिया में, ठीक है, ये इतने सारे गॉड क्यों हैं, ठीक है, क्या गॉड ने, भगवान ने हमें बनाया है कि हम उससे बने हैं, हमें क्यों बनाया है, वो सब हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में देखेंगे। बाकी हम देख चुके हैं काफी कुछ, तो शंकर वगैरह में कि गॉड ने बनाया है, क्या बनाया है, क्यों लिबरेशन चाहिए नहीं चाहिए, क्या कैसे मिलता है। तो इसने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला है, डायरेक्ट उठ के आ जाता है पेपर में, जैसे आपको दे देगा Every determination is negation. Comment. Okay. So every determination is a negation. Okay. अभी समझाता हूँ इसको, every determination is a negation. अच्छा statement है ये, आपके direct paper में उठ के आ जाएगा 10 नंबर, उसमें कुछ नहीं, simple. Identical relation between substance, God and world. मैंने बोला ना substance, God और world. इसके लिए substance ही God है, मैंने बोला ना substance से किसको माना है, God को, और God ही क्या है, world है। जैसे एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल मीन्स थ्री साइड्स, एंड थ्री साइड्स मीन्स ट्राइंगल, इनमें कोई प्रायर आफ्टर रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे में कंटेंड है, ऐसे गॉड इज वर्ल्ड, वर्ल्ड इज गॉड। तो स्पिनोजा के हिसाब से हम सब बराबर हैं, क्योंकि गॉड इज वर्ल्ड, वर्ल्ड इज गॉड। नाउ फेमस स्टेटमेंट इज एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, तो इसको समझते हैं। Every determination is negation. Basically क्या है, स्पिनोजा का मानना है गॉड जो है
गॉड कैसा है आपका, परफेक्ट और इनफाइनाइट? ठीक है, अब क्या गॉड पे मैं कुछ अगर मुझे किसी को भी डिस्क्राइब करना होगा, डिस्क्राइब आपको करना है किसी को भी, जानो जैसे मान लो आप मुझे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, डिस्क्राइब मतलब डिटरमिन, आप किसी के चीज के बारे में पता करना चाहते हैं कि ये भाई ये क्या है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपके पास सामने बोर्ड भी है, मेरा छोड़ो आप बोर्ड का एग्जाम्पल ले, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इस बोर्ड को डिस्क्राइब करो तो आप क्या करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे, क्वालिटीज से? हम किसी भी चीज को उसकी क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हैं कि ये बोर्ड व्हाइट कलर का है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। तो जब गॉड को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, तो वी विल इंपोज क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स। अब वी आर फाइनाइट, सो बीइंग फाइनाइट वी कैन इंपोज ओनली फाइनाइट क्वालिटीज। मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, जैसे मैं बोलूं गॉड इज बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब गॉड ओमनीसेंट नहीं, ओमनीपोटेंट नहीं, इसका मतलब ये है अगर मैं कोई एक्स क्वालिटी इंपोज करता हूं गॉड पे, तो मैं बाकी सारी वाई जेड ए बी सी ये सारी क्या कर देता हूं, ये निगेट कर देता हूं। अगर गॉड को मैं बोलता हूं गॉड इज एक्स, तो गॉड एक्स है तो मतलब गॉड वाई नहीं है, जेड नहीं है, ए नहीं है, लेकिन गॉड में तो कितनी है, करोड़ों क्वालिटीज है या करोड़ों क्या, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है। गॉड इज परफेक्ट, उसमें तो सारी क्वालिटीज होंगी, जो इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सब में जो क्वालिटीज होती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो सारी क्वालिटीज होती है। इट मीन्स इफ आई इम्पोज वन क्वालिटी देन आई निगेट अदर क्वालिटीज। अगर मैं 100 क्वालिटी भी इम्पोज करूंगा तो भी इनफाइनाइट है, बाकी सारे तो निगेट हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी हम गॉड को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं या उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्वालिटीज यूज करके करते हैं, एंड व्हेन वी इम्पोज वन क्वालिटी इट मींस वी निगेट अदर क्वालिटीज। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर फाइनाइट, वी कैन इम्पोज ओनली फाइनाइट क्वालिटीज। सो इन दिस सेंस स्पिनोजा हैज सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब गॉड, because God has infinite qualities in infinite sense. God is perfect and infinite. That's why if we try to determine qualities on God, then it will lead to, okay, it will be fallacious. So that's why he has said that every determination is a negation. If we impose one quality, it will negate other qualities. Okay, इसलिए इसने every determination is negation बोला है. Okay. समझ गए बात को? ऐसे ही गौतम बुद्ध ने इसके लिए क्या बोला है, नेति नेति। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कुछ भी चीज, ठीक है, तो गॉड वगैरह के बारे में, तो उन्होंने नेति नेति बोला। नेति नेति का मतलब होता है नॉट दिस नॉट दैट। गॉड के बारे में नहीं, मतलब आप मान लो उन्होंने जो भी आपकी हुआ है ट्रांस एम्पेरिकल रिलेटेड ट्रांसेंडेंटल रिलेटेड, बोले जो चीज हमें दिखती नहीं है, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नीति नीति मीन्स नॉट दिस नॉट दैट, ना ये ना वो, कुछ नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई ही ऑप्टेड साइलेंस रिगार्डिंग ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज, नॉट दिस नॉट दैट। इसलिए लाइफ में आप भी जब आपको कुछ पता नहीं हो किसी चीज के बारे में, तो चुप रहना ही बात करो, गलत बोलोगे फैसला। तो स्पिनोजा हैज सेड एवरी डिटरमिनेशन इज निगेशन। समझ आ गया सबको ये, एवरी डिटरमिनेशन इज निगेशन, इज इट क्लियर? एवरी डिटरमिनेशन इज निगेशन इज क्लियर और नॉट? ओके, अच्छा आपके नोट्स में क्लियर कट लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वही चीज है आपकी, वो उसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा। ओके, सो this is basically your brief introduction of Spinoza. अब स्पिनोजा ने भी सब्सटेंस की बात की है, मैंने बोला ना सब्सटेंस की तो सब जगह हमें बात करनी पड़ेगी, तो स्पिनोजा ने सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या दी है वो आपको याद होनी चाहिए। तो स्पिनोजा के लिए सब्सटेंस, पहली बात तो क्या है,
इसने सब्सटेंस को बात करी क्यों है, क्योंकि ये इस वर्ल्ड की यूनिटी और डाइवर्सिटी समझाना चाहता है कि अगर गॉड एक है तो फिर इस वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। ओके, तो ये सब समझाने के लिए इसने सब्सटेंस का यूज किया। तो सब्सटेंस के बेसिस पे इसने क्या समझाया है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते थे इस तरह के, ठीक है, कि हाउ स्पिनोजा, ऑन व्हाट बेसिस स्पिनोजा एक्सप्लेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑप्शंस होते थे सब्सटेंस, मोस, ठीक है। तो बस पेपर में आप लिख देना ये लाइनें कि यूनिटी और डाइवर्सिटी समझाने की कोशिश की है। अब सब्सटेंस की इसने डेफिनेशन दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऐसे आपको जैसे वो डेकार्ट में याद रखनी थी ना, एन एग्जिस्टेंट थिंग which requires nothing but itself in order to exist. Okay, ऐसे यहाँ पे भी याद रखनी। Substance means which is in itself, दो part है, which is in itself and conceived through itself, which is in itself and conceived through itself. Okay, so क्या दिए इसमें definition substance? पेपर में तो आपको ऐसे पूरा एक ही लाइन में लिखना, कहीं वहां पे आप तोड़ दो या समझाने के लिए। तो दो में ब्रेक कर सकते हैं, विच इज इन इटसेल्फ और सेकंड विच इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ, कंसीव्ड थ्रू। तो विच इज इन इटसेल्फ का मतलब है जो अपने आप में है, तो ये है मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन, जो अपने आप में एक रियलिटी है। तो मेटाफिजिकली क्या होनी चाहिए, विच इज इन इटसेल्फ। तो मेटाफिजिकली क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, विच इज इन इटसेल्फ, ठीक है, जो रियलिटी अपने आप में, यहाँ रियलिटी की बात हो रही है ना, विच इज इन इटसेल्फ। कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब है नॉलेज, जो नॉलेज के लिए भी खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एपिस्टेमोलॉजिकल। तो स्पिनोजा के हिसाब से सब्सटेंस वो है जो मेटाफिजिकली भी इंडिपेंडेंट है और जो एपिस्टेमोलॉजिकली भी इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज विच इज इन इटसेल्फ मींस रियलिटी, अपने आप में सब कुछ है। जो गॉड होता है ना, गॉड को हम थिंग इन इटसेल्फ भी बोलते हैं। गॉड को एक वर्ड यूज किया जाता है गॉड के लिए, थिंग इन इटसेल्फ। जैसे हम कई बार नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा मतलब होता है, कोई बात नहीं करता है, एकदम मतलब अकेला रहता है, ठीक है, आइसोलेटेड, कोई आइसोलेटेड रहता है, किसी से बात बात नहीं करता, तो हम बोलते हैं कि ये तो अपने आप में रहता है, तो तुम्हें ही खोया रहता है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, तो अपने मस्त रहता है। ऐसे गॉड, गॉड इज थिंग इन इटसेल्फ, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण। ये कहना है किसका, स्पिनोजा का, मेरा कहना नहीं है। तो गॉड जो है बेसिकली स्पिनोजा के हिसाब से विच इज इन इटसेल्फ एंड विच इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। विच इज इन इटसेल्फ मींस रियलिटी, अपने आप में ही सब कुछ है, मेटाफिजिकली इंडिपेंडेंट और एपिस्टेमोलॉजिकल भी। ओके, सो थर्ड पॉइंट देखिए आप, मेटाफिजिकली एंड एपिस्टेमोलॉजिकली इंडिपेंडेंट। तो उसने बोला इस रिगार्ड में अगर देखें, ठीक है, तो सिर्फ गॉड ही एक ऐसी चीज है जिसको हम सब्सटेंस मान सकते हैं। बोला जो सब्सटेंस होता है वो सेल्फ कॉज्ड होना चाहिए। सेल्फ कॉज्ड मतलब खुद का कारण खुद ही हो, गॉड तो खुद का कारण खुद ही है, गॉड को तो किसी ने बनाना ही नहीं है। इटर्नल होना चाहिए और एक होना चाहिए। बोला जो डेकार्ट के माइंड एंड बॉडी थे, बोला उनको सब्सटेंस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो सेल्फ कॉज नहीं है, वो गॉड ने क्रिएट किया, ठीक है, वो अपने आप, वो आपके क्या है, वो सब्सटेंस नहीं है। उनको इसने सिर्फ दो पैरेलल एट्रीब्यूट बोला है, दे आर जस्ट टू पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। गॉड के दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं वो बस, ठीक है। अब अगर एक डायग्राम बनाऊं तो देखूं मैं आपको कितना
इतना याद है इंडियन, यहाँ पे अगर आप देखो तो डेकार्ट, अगर आप डेकार्ट को देखो डेकार्ट क्या है आपका, ये गॉड है। ये आपके माइंड है और ये आपका बॉडी। अगर आप स्पिनोजा को देखो तो ये गॉड है, ये माइंड है और ये बॉडी। इंडियन फिलोसफी में ये किससे कंपेयर होगा, ये किससे कंपेयर होगा, बताइए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, बताइए। किससे कंपेयर कर सकते हैं इंडियन? ठीक है, रोहित ने दिया जवाब। ओके, बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं भाई? कुछ खाने पीने चले जाते हो, चाट वाट बनाने लग जाते हो, या सो जाते हो कि ये तो बकवास कर रहा है, वीडियो तो हमारा वहां है नहीं, इसको पता नहीं चलेगा। नहीं, बाकी लोग भी दो आंसर है। ठीक है, रोहित ने तो ठीक दिया है जवाब, बाकी लोग भी बताओ। नहीं, दोनों बताओ ना। हाँ ठीक है, ओके। तो सिर्फ दो लोगों के आंसर आए, मुझे इंटरेक्शन हो। तो योर डेकार्ट इज मधवा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था यार, मैंने जब मधवा पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था कि मधवा आपने पढ़ लिया मतलब मधवा के जैसे बिल्कुल डेकार्ट। ठीक है, मधवा में भी तो ये था इंडिपेंडेंट रिलेटिव, दो डिपेंडेंट रिलेटिव, यहाँ पे भी सेम। और अगर आपको ये याद आ रहा तो ये कैसा था रामानुज, रामानुज में हमने चित्त और अचित्त, बस नाम ही तो चेंज हो गया, अचित्त अचित्त था नाम इसका, या जीवा कह लो, और बॉडी आपकी अचित्त थी, या फिर उसको क्या कह लो, जगत कह लो, इस तरह से नाम दिया था। तो बेसिकली वहां पे इनको पार्ट्स बोला था, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, बात तो वही है। ठीक है, समझ गया बात। तो बेसिकली जो आपका डेकार्ट है उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है, डेकार्ट को कंपेयर किया जा सकता है मधुवा से। ओके, और जो आपका स्पिनोजा उसको कंपेयर किया जाता है रामानुज से, और रामानुज और मधुवा आपको पता ही है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर। अब आगे चलते, आप लोग जवाब नहीं देते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्या? सो माइंड एंड बॉडी आर जस्ट टू पैरेलल एक्टिविटीज, समझिए बात को। तो मैंने आपको बोला ना, डेकार्ट जो बोलेगा स्पिनोजा उस पर रिएक्ट करेगा, तो अब स्पिनोजा ने उस पर रिएक्ट कर दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड इज फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म, जो सेकंड टॉपिक है वो है फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म। तो फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म से एक लाइन निकल के आती है, फ्रीडम लीड्स टू नेसेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन केस ऑफ, क्या है बेसिकली, देखो समझो यहीं से समझो, व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम। फ्रीडम इज दैट
इफ वी आर फ्री टू डू एनी, फ्री टू डू एनीथिंग, जब हम फ्री हो कुछ भी करने के लिए, वी से दैट वी हैव फ्रीडम. ओके, आर वी फ्री और नॉट, आर यू फ्री और नॉट. इन योर केस टू थिंग्स आर देयर, वन इज सेल्फ डिटर्मिनिज्म, सेल्फ डिटर्मिनिज्म मतलब जब मैं खुद डिटर्मिन करूं कि मुझे क्या करना. एक होता है एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म, जब बाकी लोग डिटर्मिन करें कि मुझे क्या करना. आप बताओ आपके केस में सेल्फ डिटर्मिनिज्म है क्या कहीं, जहां पे आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते. होगा 1-2% केस में हो सकता, ठीक है, कि आपको आपका मन खाना कर, कुछ खाने का कर रहा है वो आप जाके खा लो, आपका मन जॉगिंग करने का कर रहा है, मतलब इन 1-2% केसेस यू आर हैविंग सेल्फ डिटर्मिनेशन. लेकिन बाकी कहीं ना कहीं तो एक्सटर्नल कंट्रोल है ही ना, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, मतलब पीयर प्रेशर, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, स्पाउस बंदो. फॉर एग्जाम्पल आप बोलो, जैसे कोई लड़की बोले कि मैं रात को भाई अपनी फ्रेंड के घर रुकना चाहती हूँ नाइट स्टे पढ़ने के लिए, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स. या फिर आपने अभी जब ऑप्शनल लिया तो ऑप्शनल भी आपने किसी से पूछा, ठीक है. आपकी जब शादी होगी हो सकता है आपकी मर्जी से हो, ठीक है, क्या हो सकता है आपके पेरेंट्स की मर्जी से हो, ठीक है. आप सोसाइटी के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम आप कर सकते हो जाके किसी का मर्डर कर, नहीं कर सकते. तो बेसिकली जो हम लोग हैं, हम में मैं भी आता हूँ, हम लोग पे एक्सटर्नल कंट्रोल है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है. जैसे मान लो आप में से कुछ लोग होंगे जो केएस नहीं बनना चाहते, जिनका इंटरेस्ट ग्राउंड नहीं है, वो कुछ और बनना चाहते होंगे, कोई आर्टिस्ट पेंटर बनना चाहता होगा मान लो, कोई डांसर बनना चाहता होगा, लेकिन सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर के साथ वाले बन गए, दोस्त बन गए, रिश्तेदार बन गए, घर वाले आपको देते होंगे ताने तुम भी बनो, ठीक है. फिर मैरिज प्रेशर कि अच्छी जॉब लग जाएगी तो शादी भी अच्छी लगेगी, कोई नहीं. या मान लो किसी का कुछ हो, इंटरकास्ट चल रहा हो, घर वाले नहीं मानते हो कि चलो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, खड़ा हो जाऊंगा, तो उसके बाद बन गए. तो बेसिकली सम हाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म, है ना. एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म है ना हमारे पे, सब मानते हो ना. तो क्या हम फ्री हैं रियल सेंस में? नहीं है, वी आर नॉट, ठीक है. तो स्पिनोजा भी यही बोलता है, ठीक है, कि हम फ्री नहीं है, वी आर नॉट. ये किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन की. नहीं है हम फ्री, आपको पता है नहीं है हम, वी आर नॉट फ्री. वी आर बेसिकली कहते हैं ना, वी आर कन्फाइंड इन चेन्स, चेन में बंधे हुए हम, सोसाइटी की चेन में बंधे हुए, ठीक है. आज भी देख लो आप हर जगह पे, कह रहे आप तो चलो थोड़ा वहां रहते हो, आप आज भी थोड़ा रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे जात के नाम पे वोट मिलता है, जात के नाम पे डिवीजन है, ठीक है. तो सोसाइटी में फिर देख लो इंटरकास्ट मैरिज कितनी होती है, नहीं होती है, आज भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है. इवन आपको अरेंज मैरिज भी करनी है तो अरेंज मैरिज में भी आपके पेरेंट्स से डिसाइड करेंगे, ठीक है. शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, या तो हस्बैंड डोमिनेट करेगा तो वाइफ को उसको सुननी पड़ेगी, वाइफ डोमिनेट करेगा हस्बैंड को सुननी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कंट्रोल तो नहीं. तो अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग देयर इज नो सेल्फ डिटरमिनेशन. आप कहीं ना कहीं एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हर डिसीजन अपने हिसाब से लूँ, नहीं कह सकते, नहीं ले सकते, ठीक है. आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का आप पे प्रेशर, अगर आप अकेले भी हो, आप कुछ मतलब और कुछ नहीं तो आप भगवान से डरते हो, क्यों? बिकॉज वी आर गॉड फियरिंग पीपल. तो उसका कंट्रोल है, जहाँ किसी का नहीं है वहाँ उसका कंट्रोल है, आपको क्योंकि डर लगता है. ओके, तो आप कहीं ना कहीं बेसिकली खुद से आप सेल्फ डिटरमिन कुछ नहीं करते,
तो ह्यूमन बींग्स तो फ्री नहीं है, क्या गॉड फ्री है? इज गॉड फ्री? फ्री का क्या मतलब है? क्या गॉड के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन है? तो इसने जो बोलता है यस, सिर्फ गॉड के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है? लेकिन अगर गॉड के पास सेल्फ डिटर्मिनिज्म है, सो इज गॉड फ्री टू डू एनीथिंग? क्या गॉड फ्री है कुछ भी करने के? क्या बोलते हो आप लोग, क्या गॉड फ्री है कुछ भी करने के? हाँ या ना बताइए चैट बॉक्स में, इज गॉड फ्री टू डू एनीथिंग? नो, गॉड इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। फ्रीडम है उसको, सेल्फ डिटर्मिनिज्म है, लेकिन वो करेगा वही, अगर उसको सेल्फ डिटर्मिनिज्म है तो वो वही करेगा जैसा उसका नेचर है। जैसे मान लो हिटलर था, अब हिटलर को सेल्फ डिटर्मिनिज्म मान लो था, वैसे तो नहीं था वो सब, तो वो भी इन्फ्लुएंस था ही, ठीक है, उसको भी फोर्सेस ने बाकी ने बोला ही था क्या, तो हिटलर था उसका क्या था, उसका एक कैसा था, उसका थोड़ा एटीट्यूड कैसा था, ठीक है, मतलब हेट्रेड, तो वो अपने उसी हिसाब से उसने एक्ट, ठीक है, तो अगर किसी को सेल्फ डिटर्मिनिज्म है तो वो अपने नेचर के हिसाब से तो करेगा जो भी उसके एक्ट होंगे। यानी कि गॉड हैज फ्रीडम, नो डाउट गॉड हैज फ्रीडम, बट गॉड इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। What God will do? God will act according to His own logical nature. अब अगर God अपने own logical nature से act करेगा तो guided होगा, तो क्या करेगा? वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। यानी उसको freedom है, लेकिन वो freedom कैसा है कि वो वही काम करेगा जो वो करना चाहता है। Freedom leads to necessity. क्यों? क्योंकि अब मान लो गॉड है, ये यहाँ पे गॉड बैठा है, यहाँ पे मैं प्रे कर, मैं तो प्रेयर नहीं करता, चलो मैं मान लेता रोहित है, ठीक है, रोहित ज्यादा हुए रिलीजियस पर्सन, तो ये भगवान से बोल रहा है मेरा केएस में सिलेक्शन करा दो, मैं 11 सोमवार का व्रत रखूँ, भगवान ने इसका केएस में सिलेक्शन करा दिया, तो क्या गॉड को फ्रीडम हुआ क्या? नहीं, वो तो इसकी बात मान रहा है, तो स्पिनोजा का कहना है कि तुम गॉड जो है ना, गॉड सारे काम अपने हिसाब से करता है, अपने लॉजिकल नेचर के हिसाब से, और आप जो आपकी प्रेयर्स हैं, वर्शिप हैं, उनसे गॉड के नेचर को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके आपकी वर्शिप से गॉड चेंज हो जाएगा तो गॉड को फ्रीडम भी नहीं रहेगा फिर, तो फिर तो गॉड आपसे गाइडेड हो गया ना भैया। जैसा आपने बोला कि भाई कल मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दे, गॉड ने लगवा दी। इसका मतलब स्पिनोजा बोलता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो होना है वो होगा। क्यों? क्योंकि गॉड ने डिसाइड किया हुआ है मुझे ये करना है, आप कितना ही कर लो वो चेंज नहीं होगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गीता में भी लिखा गया है जो जो जब जब होना है तो सब तब तब होता है, सो तब तब होता है। What is going to happen will happen। देखो आप सिर्फ अपने efforts लगा सकते हो, ठीक है, ये स्पिनोजा ने बोला है what is going to happen will happen। लेकिन आप ये सोचो कि आपके prayer से, worship से God will change his own logical nature, that is not possible। फिर वो God ही नहीं रहेगा ना, फिर तो normal इंसान बन जाएगा जिससे आप जाके थोड़ा बोलो और वो आपकी बात मान ले, पिघल जाए। तो गॉड थोड़ा क्या है, सख्त लौंडा टाइप है, ठीक है, ऐसे बातों में नहीं आता है। स्पिनोजा वाला जो गॉड है, तो गॉड इज फ्री टू डू, गॉड इज फ्री टू एक्ट, बट गॉड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉजिकल नेचर, एंड गॉड डू ओनली दोज थिंग्स व्हिच आर कंपेटिबल विथ हिज लॉजिकल नेचर। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट फ्रीडम लीड्स टू नेसेसिटी। फ्रीडम लीड्स टू नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी का मतलब है कि जो होना है वही हो। अगर गॉड ने डिसाइड करना है, कर रखा है कि मैंने ना भाई ये करना है, तो वो वही करेगा।
मैंने कल इसके साथ ये करना है, परसों इसके साथ वो करना है, वही करेगा। आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चेंज कर दिया तो गॉड विल लूज हिज फ्री सेल्फ डिटरमिंड नेचर। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड डिटरमिनेशन। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इसलिए अगर कभी लाइफ में फेलियर हो तो स्पिनोजा की ये बात याद रखना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन। तो बोलो चलो यार ये तो होना ही था, कोई नहीं, दिल को थोड़ी तसल्ली दे जाए, ठीक है, स्पिनोजा की बात याद करके। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी डीप। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन। आप अगर एफर्ट्स लगा रहे हो आपके, वो भी होना ही था, आप नहीं लगा रहे वो भी होना ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचो कि भाई कुछ मतलब ज्यादा इधर वो करने था, आपको एफर्ट्स ही लगाने, एफर्ट्स ही बस आपको बचाएंगे, बाकी तो सब चीजें तो मोह माया, ठीक। ये स्पिनोजा का कहना है, आपको समझ आ गया होगा फ्रीडम एंड डिटरमिनेशन, ठीक। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल, तो लाइफ में कभी कुछ बुरे दिन आए, ठीक है, आप थोड़ा मतलब वो कहते ना क्या होता है, बुरा समय आपका है, तो ये बात याद रखना स्पिनोजा कि भाई ठीक है। दूसरा बुद्ध को याद रखना कि जब अच्छा समय नहीं ठहरा तो बुरा भी कैसे ठहरेगा। ओके, थोड़ा सा इन फिलोसफर्स को आप चाहो तो अपनी लाइफ में ढाल के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। फिर पैंथेइज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज भगवान ही, ये संसार है और संसार ये भगवान है, दोनों में कोई प्रायर आफ्टर रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ऐसे हैं जैसे आपके ट्रायंगल और उसके तीन साइड्स होती है। आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड पहले आया गॉड पहले आया, नहीं, गॉड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड, दोनों में कोई कॉज इफेक्ट का चक्कर नहीं है कि भगवान ने वर्ल्ड बनाया, नहीं, कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ही संसार है, संसार ही भगवान, ना दोनों में प्रायर आफ्टर है कि पहले ही आया बाद में आया, नहीं, दोनों एक साथ, ठीक है, तो ये आ जाता है कई बार, पैंथेइज्म क्या होता है, ठीक है, तो उसमें ये लिखना है सारा, बाकी आपके नोट्स में मैंने लिखा है, फ्रीडम एंड डिटरमिनिज्म हम देख चुके हैं, गॉड वर्ल्ड रिलेशन ये अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तीन चीजें डेइज्म, पैंथेइज्म एंड पैनेंथेइज्म। तो बेसिकली होता क्या है, अगर गॉड सिर्फ एफिशिएंट कॉज है, एफिशिएंट कॉज तो आप समझते ही हो, हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से, या वॉचमेकर से, ये मैं समझा चुका हूं आपको डिटेल में। जैसे वॉचमेकर ने वॉच बना दिया, अब आप उसको पहनते हो, ठीक है, अब वो आता तो नहीं है ना रोज का टाइम बाइन सेट कर, वो एफिशिएंट कॉज है, ठीक है। जैसे मकान मालिक है, मकान मालिक ने मकान बना के छोड़ दिया, ऐसे गॉड अगर एफिशिएंट कॉज है तो वो इस दुनिया को बना के और वो छोड़ देता है, अब दुनिया अपने हिसाब से चलती रहती है। अब गॉड ने एफिशिएंट कॉज है तो मतलब उसने अपने मैटर से नहीं बनाया, मेटेरियल कहीं और से लिया होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिका के केस में गॉड ने ये वर्ल्ड किससे बनाया था, एटम, या आप ले लो केस मधवा का, ठीक है, मधवा में भी चित्त चीज से बनाया, ऐसे आपका ये डेकार्ट, डेकार्ट भी डेइज्म, डेइज्म का मतलब ये वर्ल्ड है, गॉड इस वर्ल्ड को बना दिया गॉड ने, और गॉड इसके बाहर एग्जिस्ट करता है, ये मतलब है डेइज्म। जैसे वॉच मेकर है वो आपके घर में तो नहीं बैठा रहता ना कि टाइम हर पल चेक करेगा, या फिर आपका लैंडलॉर्ड आपके घर में बैठा रहता है, वो मकान एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, यहाँ पे ध्यान रखना, लैंडलॉर्ड नहीं है, एब्सेंटी मतलब मकान बना के छोड़ गया, कहीं लंदन वंदन जाके बस गया, आप रहते हो, किराया देते हो, उसके अकाउंट जमा करा देते हो, वो नहीं आता है रोज चेक करने क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो इस वर्ल्ड से बाहर है, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम घर को वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड के बाहर रह रहा है गॉड, गॉड इस वर्ल्ड में नहीं, तो डेइज्म ये होता है, डेइज्म मतलब गॉड इज ओनली द एफिशिएंट कॉज, पैंथेइज्म में गॉड इज ओनली द मटेरियल कॉज, जो अभी हमने देखा आपका कौन स्पिनोजा,
और पैनेंथेइज्म में गॉड इज बोथ मटेरियल एज वेल एज एफिशिएंट कॉज. तो पैनेंथेइज्म का आपका एग्जांपल एफिशिएंट कॉज भी है और मटेरियल कॉज. आपको ध्यान होता है एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज को किसी और नाम से भी जाना जाता है. मैंने आपको नाम भी बताया था, क्या नाम होता है, ट्रांसेंडेंट कॉज. लगता है पढ़ना लिखना छोड़ दिया था. ट्रांसेंडेंस और इमानेंट. देखो भाई, पढ़ाई एक तपस्या है. दिक्कत यही होती है कि अगर आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ, आपको उसको ब्रेक नहीं होने देना. हमारी क्लासेस जरूर लेट होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन आपका ऑप्शनल तो चलो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी भी तो पढ़ाई है, तो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके, तो ट्रांसेंडेंट है क्योंकि मैंने देखा इससे पहले जो 2018 का, तो चलो 2016 वाला जो था, उसमें जिन लोगों ने पेशेंस रखा वो सारे सेलेक्ट हैं. पेशेंस इज दी. सो क्लियर हो गया ना गॉड वर्ल्ड रिलेशन. आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तीनों होते हैं, बस इनके डेफिनेशन लिख दो, गॉड इज द एफिशिएंट कॉज ओनली, और एग्जांपल लिख दो. ठीक है, नो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, थ्री फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस. ओके, तो स्पिनोजा के हिसाब से सब्सटेंस के तीन फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, क्या तीन फॉर्म हो सकते हैं, मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं. ये गॉड है. पैनेंथेइज्म का एग्जांपल दिया ना, शंकर, रामानुज, पैनेंथेइज्म में पहले दे चुके. गॉड, गॉड के दो पार्ट है आपके, माइंड एंड बॉडी. अभी बोला ना एट्रीब्यूट्स है, माइंड एंड बॉडी एट्रीब्यूट्स के पार्ट. ये स्पिनोजा चलता है. ओके, तो ये गॉड जो है ना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सब्सटेंस. फिर ये जो माइंड एंड बॉडी जो है, इनको कहते हैं नेचुरा नेचुरल्स. टेक्निकल. अब माइंड की क्वालिटी क्या होती है, माइंड की क्वालिटी क्या होगी, माइंड की मैंने आपको बोला था, माइंड क्या है, थॉट, सोचता है. तो माइंड की क्वालिटी क्या होती है, दिमाग आपका क्या सोचता है, इंटेलेक्ट और विल. इंटेलेक्ट आपका दिमाग और विल कुछ करने की इच्छा. ऐसे बॉडी है, बॉडी का क्या होता है, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन कैसा होगा, या तो कोई चीज मोशन में होगी या कोई चीज रेस्ट में होगी, या तो कोई चीज बैठी है मतलब वो चल रही है, जैसे ट्रेन चलती है तो वो उसी हिसाब से स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या कोई चीज बैठी है रेस्ट में, ट्रेन खड़ी है या पेड़ खड़े हैं. तो ये जो है बेसिकली, ये चीजें हमेशा चेंज होती रहती है, होती रहती है ना चेंज. मेरा इंटेलेक्ट अलग होगा, आपका इंटेलेक्ट अलग होगा, मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ, आप अभी कुछ और पढ़ रहे हो, आपका कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का करेगा, ऐसे ही कभी मैं मोशन में रहूंगा, कभी रेस्ट में रहूंगा. ठीक है, यानी कि मैं मोशन में, मैं अभी रेस्ट में हूँ, आप में से कोई मोशन में हो सकता है, या दुनिया में कोई भी मोशन में हो सकता है. यानी कि ये जो है, ये जो चीजें हैं, ये दोनों, ये क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है. तो इनको बोलते हैं मूड्स. मोड्स होती है चेंजिंग क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस. ऐसा ही तो है. अभी आप देख लो ना, आपका माइंड कुछ सोच रहा होगा, मेरा कुछ सोच रहा होगा, आपकी बॉडी कहीं और पे आप बैठे होगे, मैं कहीं और बैठा हूँ. ठीक है, आप घूम भी सकते हो, घूम घूम के पढ़ सकते हो, मैं बैठा हूँ तो, और या फिर किसी और को देख लो, कोई अभी IPL चल रहा होगा तो वहां पे वो खेलते होंगे. तो बेसिकली इसको बोला जाता है मोड, और इसको टेक्निकल नेम है इसके लिए नेचुरा नेचुरा.
तो सबसे नीचे नेचुरा नेचुरा टर्म, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका, जो आपके मोड्स हैं, ठीक है, मोड्स आपके सबसे लोअर लेवल पे, ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे क्यों है, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं आपके, चेंज होते हैं, ओके, और जो आपके सबसे हायर लेवल पे वो है आपका सबस्टांस। तो देखो ये मोड्स आपका क्या दिखाते हैं, हर कोई, मैंने आपको बोला ना हर कोई अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये दिखाते हैं डाइवर्सिटी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि स्पिनोजा ने डाइवर्सिटी और यूनिटी एक्सप्लेन करने के लिए किसकी बात करी है, इन सब चीज की बात करी है। तो सबसे जो नीचे है वो दिखाते हैं आपके डाइवर्सिटी, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर आपके क्या आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को क्या बोला है, नेचुरल नेचुरल्स। एट्रीब्यूट क्या दिखाते हैं, डाइवर्सिटी है लेकिन सब में, माइंड और बॉडी तो सब में ही है, तो ये दिखाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और अगर आप सबसे ऊपर चले जाओ गॉड, तो गॉड क्या दिखाता है, यूनिटी, बिकॉज गॉड इज ऑल नॉलेज, ठीक है। तो मतलब स्पिनोजा ने जो आपके सब्सटेंस है उसको तीन चीजों में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे ऊपर आपका आता है क्या, नेचुरल नेचुरल, सबसे ऊपर आता है आपका गॉड, नेचुरल सब्सटेंस, उसके नीचे आता है आपका क्या, एट्रीब्यूट्स, और सबसे नीचे आते हैं आपके मोड्स। तो बेसिकली जो सबसे नीचे चीज है ना, ये आपकी इमेजिनरी नॉलेज है, दिस इज इमेजिनरी नॉलेज, जो सबसे नीचे वाली है दिस इज योर इमेजिनरी नॉलेज। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से मिल रही है, एक्सपीरियंस से तो आप सारी चीजें देखते हो, इंटेलेक्ट, लेकिन स्पिनोजा के हिसाब से एक्सपीरियंस सोर्स नहीं है, एक्सपीरियंस से आपको रियल नॉलेज नहीं मिलती। तो ये जो आपके मूड से ये काम करते हैं एक्सपीरियंस पे, तो इनसे हमें जो नॉलेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, इमेजिनरी नॉलेज। इसके आप ऊपर थोड़ा सा जाओगे माइंड एंड बॉडी, अब थोड़ा सा आप दिमाग के अंदर घुस गए हो, तो जब दिमाग के ऊपर घुस गए हो तो आप रीजनिंग का यूज करोगे, तो यहां पे आपको मिलेगी रीजन से कौन सी नॉलेज, रैशनल नॉलेज। ये एक्सपीरियंस से मिल रही है, ध्यान रखना, एक्सपीरियंस से कौन सी मिल रही है, इमेजिनरी नॉलेज, रीजन से कौन सी मिल रही है, रैशनल नॉलेज। आप जब सबसे ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर आपको नॉलेज ऑफ यूनिटी मिलेगी गॉड, लेकिन वो कैसे मिलेगी, अब गॉड को आप देख तो नहीं सकते, तो मैंने आपको क्या बोला था, किससे मिलेगी, ये इंट्यूशन। जैसे शंकर में मिली थी ना गॉड को सेल्फ रियलाइजेशन से, ऐसे यहाँ पे किससे मिलेगी, इंट्यूशन से, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज, ओके। तो ये तीन लेवल है, सबसे नीचे आपके मोड्स हैं, मोड्स चेंजिंग क्वालिटीज है ऑफ सब्सटेंस, उसके बेसिस पे इसने किसको एक्सप्लेन किया, अगर इसको हम देखें तो इस तरीके से, जो सबसे ऊपर है मोड्स, नेचुरल नेचुरल टर्म, इसके बेसिस पे इसने डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया, इसकी नॉलेज कैसे मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है, और ये नॉलेज कैसी, इमेजिनरी नॉलेज, इसके बेसिस पे उसने क्या एक्सप्लेन किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी नॉलेज कैसे मिलती है, रीजन से मिलती है, और ये कैसी नॉलेज है आपकी, रैशनल नॉलेज। ये क्या है आपका, इसके बेसिस पे किसको एक्सप्लेन किया, यूनिटी को, और इसकी नॉलेज कैसे मिलती है, इंट्यूशन। वो है तो एक गॉड अकेला ही, बाकी तो वो जिसके फॉर्म से, अल्टीमेट सब्सटेंस तो क्या है आपका, गॉड ही है, ओके। सो इन दिस वे स्पिनोजा हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है भैया सबको, सबसे टफ पार्ट इसमें यही था, नेचुरल नेचुरल था, नेचुरल नेचुरल और गॉड ऑफ, ठीक है, आपसे पूछ सकता है वो डायरेक्ट, ठीक है, सब काम पूछेगा तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब आगे चलो, तो थोड़ी देर में इसमें मुझे खत्म हो जाएगा, देन यू आर फ्री टू, देन नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स, सबसे ऊपर क्या था,
गॉड एट्रीब्यूट्स विद मोड्स, तो जो माइंड और बॉडी है, मतलब गॉड के जो एट्रीब्यूट्स, मतलब गॉड की क्वालिटीज, गॉड में जो क्वालिटीज उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सीधी सी बात है, मैंने बोला ना एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज। तो अब उन एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन दी है इसने, इसकी एक बुक थी एथिका, स्पिनोजा की एक बहुत फेमस बुक है एथिका, उसमें इसने एट्रीब्यूट की डेफिनेशन दी। डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन के दो पार्ट टूटे हैं, विच द इंटेलेक्ट परसीव्स, एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ सब्सटेंस। दो पार्ट कौन कौन से टूटे, पहला पार्ट ये विच द इंटेलेक्ट परसीव्स और सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंशियल नेचर। अब इस डेफिनेशन को लेके रियलिस्ट और आइडियलिस्ट में थोड़ा सा फर्क है। ये आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यू कैन लीव इट, समझा रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना अंदर घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना भी टफ पेपर नहीं बनाएगा। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट में क्या फर्क है, जो आइडियलिस्ट है ना, जैसे हीगल, हीगल हम पढ़ेंगे अर्डमैन, ये आइडियलिस्ट है, और जो आपके रियलिस्ट है फिशर थिली, इसकी बुक भी आती है फिशर एंड थिली की, आपकी फिलोसफी की बहुत अच्छी बुक है। तो जो आइडियलिस्ट है उनके हिसाब से कौन सी डेफिनेशन सही है, ये पहली बार, पहले वाली डेफिनेशन क्या है, विच द इंटेलेक्ट परसीव्स, वो क्या बोलते हैं कि ये डेफिनेशन सही है। अगर आप इसको मान लो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एट्रीब्यूट्स को कौन परसीव करता है, हमारा इंटेलेक्ट परसीव करता है, मतलब गॉड के जो एट्रीब्यूट्स है वो किस पे डिपेंडेंट हो गए, हमारे इंटेलेक्ट पे डिपेंडेंट हो गए, मतलब हम जिन चीजों को परसीव करते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज बेनेवोलेंट, वो ही सही है। तो अगर ये डेफिनेशन हम मानेंगे तो क्या गॉड इंडिपेंडेंट रियलिटी रहेगी, नहीं, क्योंकि गॉड के एट्रीब्यूट्स किस पे डिपेंड हो गए, हम पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन जो रियलिस्ट वाला है वो डेफिनेशन क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये ऑलरेडी किसका एसेंशियल नेचर है, गॉड का, और उसके जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके एसेंशियल क्वालिटीज हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम ये सेकंड वाली डेफिनेशन मानते हैं तो गॉड के सारे एट्रीब्यूट्स किस पे डिपेंडेंट है, गॉड पे, हम पे डिपेंडेंट नहीं। तो ये डेफिनेशन मानते तो गॉड क्या हो जाता है आपका, इंडिपेंडेंट रियलिटी मान लेते। तो अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से कौन सी डेफिनेशन को सपोर्ट करोगे, यू हैव टू सपोर्ट, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट करोगे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में 60 नंबर का कि एट्रीब्यूट्स मोड्स वर्ड्स क्या होते हैं, फिर उसमें इसने पूछा था कि विच डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यू सपोर्ट, आइडियलिस्ट वन और रियलिस्ट वन। सो यू हैव टू सपोर्ट रियलिस्ट डेफिनेशन, बिकॉज इफ यू विल सपोर्ट आइडियलिस्ट देन गॉड विल लूज द नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर, एट्रीब्यूट्स क्लियर है, दोनों डेफिनेशन क्लियर है, क्या डिस्प्यूट है दोनों में, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, ओके, सो एट्रीब्यूट्स इज क्लियर, नाउ दिस कंप्लीट्स योर स्पिनोज़ा, ओके। कुछ उसके एक एक चीज वो भी है, देखो बेसिकली क्या है वो भी देख लेते हैं। ऐसा बोला जाता है स्पिनोज़ा को कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है, उस पर आरोप लगते हैं कि एक तरफ वो रिलीजियस भी है और एक तरफ वो ए रिलीजियस भी है। तो रिलीजियस किस ग्राउंड पे कहते हैं, क्योंकि इसने बोला गॉड इज ऑल, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज, ये तो रिलीजियस ग्राउंड हो गया भाई, उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। तो फिर इरिलीजियस क्यों है, इरिलीजियस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो उसने क्या बोली है कि उसका जो गॉड है उसको आप वर्शिप नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये उसने बोला कण कण में भगवान है, तो भक्त, वर्शिप और वर्शिपर, भक्त और भगवान, भक्त और भगवान में कोई डिफरेंस रहा क्या, जब मेरे अंदर भगवान है तो मैं क्यों भगवान की पूजा करूंगा। तीसरी चीज उसने बोला है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन,
यू कैन नॉट चेंज इज यूजिंग योर प्रेयर्स और वर्शिप. तो रिलीजियस एक्टिविटीज पे क्या कर दिया उसने, तो और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. अगर ऐसा है तो फिर हम पूजा क्यों करेंगे, पाठ क्यों करेंगे. ठीक है, तो इसलिए एक तरफ तो बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, क्योंकि उसने बोला गॉड इज ऑल ऑल इन गॉड. दूसरी तरफ उसको रिलीजियस भी बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो खैर चलो कहने की बात है, लेकिन लोग है ना समझ नहीं पाए कि उसने जो उसका नोशन है इंपर्सनलिस्टिक नोशन. बात तो उसने सही कही है, लेकिन क्रिटिसिज्म पेपर में लिखने के लिए आपके पास होने चाहिए कि वर्शिप. ठीक है, पहला तो कि कर नहीं सकते, इंपर्सनलिस्टिक है. दूसरा, गॉड और भक्त और भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वर्शिप एंड वर्शिप. तीसरा, आपका प्रेयर्स और वर्शिप का कोई मतलब नहीं है अगर ये बोल दिया आपने व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन, यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ गॉड. एंड फोर्थ, और दिस एक्टिविटीज विल गो इन वेन. और फिफ्थ, हीगल. हीगल ने स्पिनोजा के गॉड को कंपेयर किया है लॉयंस के से. स्पिनोजा, हीगल बोलता है कि हमें स्पिनोजा के केस में इसके लॉयंस के से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें गॉड की तरफ तो जाती हुई चीजें दिखती हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं दिखती. लॉयंस केव क्या होंगे? लॉयंस केव में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपके यहाँ पे फुटमार्क्स दिखेंगे, ठीक है, जाते हुए, ठीक है, लेकिन आते हुए नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि लॉयंस की केव में जब खा जाएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे कि गॉड की तरफ सब जा रहा है, बोला हर चीज वो गॉड की तरफ ले जा रहा है. God is all is God. इन वहां से वापस कुछ नहीं आ रहा है, वो उसके अलावा कुछ और एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है. ठीक है, तो वो हर चीज को किस पे ले जाता है? गॉड पे ले जाता है. तो इसलिए उसका जो कंसेप्ट है वो इलॉजिकल है. उसको लॉयंस के से कंपेयर किया जा सकता है, जहाँ पे आदमी के जाते हुए फुटप्रिंट तो दिखते हैं, आते हुए नहीं दिखते. तो यहाँ पे भी गॉड की तरफ सब चीजें जा रही हैं, वो सिर्फ हर चीज किसको पे डाल दे रहा है? गॉड. तो इन दिस वे Spinoza's philosophy has been criticized. Okay. There is one ground for being religious and other grounds are basically criticisms for irreligious. Okay. So this completes our Spinoza. Tomorrow we will complete library. Tomorrow you will be having class in evening. Time will be conveyed to all of you. Okay. Morning mein hi upayegi. Morning mein mujhe thoda test wagera karna. आजकल आरटीपीसीआर वगैरह हो गया ना. मैं बेसिकली मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए आपको आरटीपीसीआर बोल सकती हूँ. तो मैं आपको क्लास का बोल दूंगा, मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ जाए तो फिर वो ऑफ करना है. तो कल आपकी इवनिंग में क्लास होगी, शायद यही होगा, 7 से 9 ही क्लास होगी. ठीक है, 7 से 8, 8:30 तक कल लाइब्रेरीज खत्म कर देंगे. ठीक है, लाइब्रेरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल लाइब्रेरीज खत्म कर देंगे उसके बाद. ठीक है, ओके, क्लियर है ना सब कुछ? और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं. प्री एस्टेब्लिश हार्मनी को सपोर्ट करना है, कौन कर रहा है प्री एस्टेब्लिश हार्मनी को सपोर्ट? प्री एस्टेब्लिश को तो लाइबनीज करेगा सपोर्ट, को क्यों सपोर्ट कर रहा है? माइंड एंड बॉडी की बात कहाँ कर रहा है स्पिनोजा? तो जो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी के लिए क्या है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी के लिए दो चीजों के बीच में हार्मनी होनी जरूरी है. गॉड के केस में गॉड अकेले है तो हार्मनी कहाँ है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी कैसे हो गया दोस्त? हार्मनी दो चीजों के बीच में होती है. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट प्री एस्टेब्लिश्ड. ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल.